है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ओके दोस्तों, क्या आप भी 15 अगस्त या इंडिपेंडेंस डे में इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो? तो दोस्तों, इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम है काइनमास्टर और दोस्तों काइनमास्टर ऐप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको काइनमास्टर ऐप आपको डाउनलोड करके ओपन करना है और इस प्लस वाले आइकन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 9:16 रेशियो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के मिडल में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों इसमें आपको क्लिक करना है और दोस्तों नीचे आपको जो है एडिटिंग में क्लिक करना है। दोस्तों एडिटिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे इसको आपको फिल स्क्रीन कर लेना है और दोस्तों इसको आपको फिल स्क्रीन कर लेने के बाद दोस्तों इसका लेंथ जो है आपको लगभग 3 सेकेंड आपको रख लेना है। दोस्तों इसका लेंथ आपको 3 सेकेंड रखने के बाद दोस्तों आपको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों इस मीडिया ऑप्शन में जाके दोस्तों यहाँ पर आपको पहले एक ब्लैक बैकग्राउंड आपको ले लेना है। दोस्तों आपको ब्लैक बैकग्राउंड ले लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों इस ब्लैक बैकग्राउंड में आपको क्लिक करना है और दोस्तों ब्लैक बैकग्राउंड का आपको लेंथ 2.2 सेकेंड तक आपको रख लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको इस कैंची वाला ऑप्शन में जाके आपको राइट साइड कट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इस मीडिया ऑप्शन में जाके दोस्तों यहाँ पर आपको करीब 10 से दोस्तों आपको 12 फोटो आपको ऐड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो ऐड कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पोजीशन की जो फर्स्ट फोटो है दोस्तों इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस लेयर ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको एक ब्लैक शेडो ऐड कर लेना है। दोस्तों एक ब्लैक शेडो आपको ऐड करने के बाद दोस्तों इसको आपको कुछ इस तरह से थोड़ा जूम करना है और दोस्तों नीचे आपको इस पोजीशन में आपको बैठे लेना है। उसके बाद दोस्तों इसका लेंथ जो है आपकी वीडियो के एंड पोजीशन तक आपको ले जाना है। ले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से स्टार्टिंग पोजिशन में आपको आना है। दोस्तों स्टार्टिंग पोजिशन में आपको आने के बाद दोस्तों इस लेयर वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करके और दोस्तों यहाँ पर आपको मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको एक लिरिक वीडियो ऐड कर लेना है। दोस्तों ये वाला लिरिक वीडियो आपको ऐड करने के बाद दोस्तों पहले आपको ब्लैक बैकग्राउंड में क्लिक करना है और इसको एंड पोजीशन तक आपको ले जाना है। ले जाने के बाद दोस्तों इस बार आपको लिरिक वीडियो में एक बार आपको क्लिक करना है और दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैंची वाला ऑप्शन जो दिख रहा है दोस्तों इसमें आपको क्लिक करना है और दोस्तों स्प्लिट एंड प्ले हेड आपको कर लेना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पहले वे में आपको क्लिक करना है और दोस्तों इसको आपको कुछ इस तरह से रोटेट करके और दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आपको जूम कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का। दोस्तों इस ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपको क्लिक करके और दोस्तों यहाँ पर आपको इसको स्क्रीन कर लेना है। करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर से क्लिक करना है और दोस्तों इसका लेंथ आपको थोड़ा जूम करना है। जूम करने के बाद दोस्तों फिर से आपको जाना पड़ेगा ब्लेंडिंग ऑप्शन में और इसको भी आपको स्क्रीन कर लेना है और दोस्तों इसको जो आपको इस पोजीशन में आपको कुछ इस तरह से आपको बैठे लेना है। दोस्तों बैठे लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आके दोस्तों लेयर ऑप्शन में क्लिक करके और दोस्तों यहाँ पर आपको मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको एक कलरफुल वाला वीडियो ऐड कर लेना है। दोस्तों ये वाला वीडियो आपको ऐड करने के बाद दोस्तों आपको उसी तरह दोस्तों इस ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपको जाना है। जाने के बाद दोस्तों इसको आपको स्क्रीन कर लेना है और इसको जो दोस्तों आपको फुल स्क्रीन कर लेना है कुछ इस तरह से। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी वीडियो कुछ इस प्रकार से तैयार हो गया है और दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो में एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक ग्राफिक का। दोस्तों इसमें आपको क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको ओवरऑल एनिमेशन 5 का आपको क्लिक ग्राफिक डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों जाना पड़ेगा इस गेट मोड ऑप्शन में और गेट मोड ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों थोड़ी देर आपको वेट करना है नेट ऑन करके और यहाँ पर दोस्तों आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों इस एनिमेशन में आपको क्लिक करना है और दोस्तों सबसे नीचे आपको मिल जाएगा ओवरऑल एनिमेशन 5। तो दोस्तों इसको आपको डाउनलोड करके बैक आना है और दोस्तों यहाँ पर आपका जितना फ़ोटो है दोस्तों आपको क्लिक ग्राफिक में जाके ओवरऑल एनिमेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं फटाफट से सारे फ़ोटो में ए वाला क्लिक ग्राफिक में ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आपको जो दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं जो सारे फ़ोटो में ए वाला क्लिक ग्राफिक में ऐड कर लिया हूँ।
और दोस्तों ऐड करने के बाद दोस्तों एक टेम्पलेट वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा हो रहा है। तो दोस्तों इस टेम्पलेट वीडियो में एक बार आपको क्लिक करना है और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको जो थ्री डॉट दिख रहा है इसमें दोस्तों आपको क्लिक करना है और दोस्तों इसका जो आपको एक डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद दोस्तों इसके ऊपर आपको थोड़ी देर प्रेस करके और दोस्तों इसको आपको राइट साइड कुछ इस तरह से आपको घिसा लेना है। घिसा लेने के बाद दोस्तों ये जो है दोस्तों वीडियो के एंड पोजीशन तक हो गया है। होने के बाद दोस्तों आपको फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में आना है और दोस्तों इस लेयर ऑप्शन में जाके दोस्तों मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको एक जो है बॉर्डर पीएनजी बॉर्डर आपको ऐड कर लेना है। दोस्तों पीएनजी बॉर्डर आपको लेने के बाद दोस्तों इस ऑप्शन में आपको जाना है। जाने के बाद दोस्तों इसको आपको फुल स्क्रीन कर लेना है और फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों इसका लेंथ वीडियो के एंड पोजिशन तक आपको ले जाना है। ले जाने के बाद दोस्तों आपकी वीडियो जो कुछ इस प्रकार से तैयार हो गया है। तो दोस्तों मैं जो आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से वीडियो एडिटिंग हुआ है। तो दोस्तों देख रहे हो बहुत ही अच्छा ओपी तरह से जो वीडियो एडिटिंग हो गया है। दोस्तों अगर आपको इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।